दोस्तों, वैसे तो WWE के इतिहास में हमें कई सारे मैचेस देखने को मिले जिसमें रेसलर्स का खून बहा हो, लेकिन कुछ मैच ऐसे भी हुए जिनमें हद ही पार हो गई और एक लिमिट से आगे ये रेसलर्स बढ़ गए। ऐसे मैचों में लड़ने वाले रेसलर्स में भी साहस होना चाहिए, जबकि देखने वाले का दिल भी कमजोर नहीं होना चाहिए। तो आइए जानते हैं WWE के इतिहास के 5 सबसे ब्लडीएस्ट मैचेस के बारे में जिनमें रेसलर्स का बहुत खून बहा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 5, दी अंडरटेकर वर्सेस ब्रॉक लेसनर। दोस्तों, ये बात है साल 2002 की, जब नो मर्सी पेपरव्यू में ब्रॉक लेसनर और अंडरटेकर के बीच एक हेल इन अ सेल मैच हुआ था WWE चैंपियनशिप के लिए। मैच में दोनों ही लेजेंड्स ने एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी। वहीं शुरुआत में ही ब्रॉक लेसनर के सर से खून आने लगा। यहाँ अंडरटेकर पॉल हेमन को भी नहीं छोड़ते और उनकी टाई पकड़कर उन्हें सेल पर बार बार मारते हैं और हेमन के सर से भी खून बहने लगता है। लेकिन अब बारी थी लेसनर की। उन्होंने टाई की मदद से टेकर का हाथ सेल में बांध दिया और उस पे स्टील चेयर से कई बार हमला किया। जब ब्रॉक लेसनर ने अंडरटेकर को स्टील स्टेप्स से मारा तो खतरनाक तरीके से अंडरटेकर खून में लथपथ होने लगते हैं। टेकर यहाँ फिर भी लेसनर को हराने की कोशिश करते हैं, पर अंत में एक F5 की मदद से लेसनर अंडरटेकर को पिन करके इस मैच में जीत हासिल करते हैं और ये WWE के इतिहास की एक बहुत बड़ी अपसेट होती है। नंबर 4, जॉन सीना वर्सेस ट्रिपल एच वर्सेस एज। साल 2006 के बैकलैश पेपरव्यू में जॉन सीना, ट्रिपल एच और एज के बीच एक ट्रिपल थ्रेट मैच हुआ था और यह मैच था WWE चैंपियनशिप के लिए। यहाँ कई बार एज और जॉन सीना ने ट्रिपल एच के चेहरे पर हमला किया, पर जब एज ने ट्रिपल एच को अनाउंसर्स के टेबल पर DDT लगाई तो ये पल शायद ट्रिपल एच के लिए बहुत बुरा था। उनके पूरे चेहरे पर खून ही खून दिख रहा था, फिर भी द गेम नहीं रुके और उन्होंने इस मैच में जबरदस्त वापसी की। अंत में ट्रिपल एच सीना को लो ब्लो दे देते हैं और अपने फिनिशर पेडिग्री मूव के लिए जाते हैं, पर सीना चालाकी से यहाँ घायल ट्रिपल एच को रोलअप के जरिए हरा देते हैं पिन करके और अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करते हैं। लेकिन मैच के बाद भी ट्रिपल एच नहीं थमे और उन्होंने जॉन सीना, एज और रेफरी पर भी हमला किया अपने हैमर से। नंबर 3, ट्रिपल एच वर्सेस बटिस्टा। दोस्तों, साल 2005 के वेंजेंस पेपरव्यू में ट्रिपल एच और बटिस्टा की टक्कर हुई थी एक हेल इन अ सेल मैच में, जो कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए था। यहाँ ट्रिपल एच बटिस्टा को लोहे की चेयर से मारते हैं, फिर बटिस्टा और बेरहमी से ट्रिपल एच से बदला लेते हैं। बटिस्टा जब लगातार ट्रिपल एच के सर को सेल में मारते हैं तो ट्रिपल एच के सिर से बहुत ज़्यादा खून आने लगता है। फिर ट्रिपल एच का असली गेम यहाँ से शुरू होता है। वो स्टील चेयर निकालते हैं जिसपे कांटेदार तार लिपटे हुए होते हैं, उससे वो बटिस्टा पर लगातार हमला करते हैं। फिर बटिस्टा भी उसी चेयर की मदद से ट्रिपल एच को तड़पाते हैं और उन पर भी हमला करते हैं। अचानक बटिस्टा के सर से भी एक मोमेंट पर खून बहने लगता है, लेकिन अंत में बटिस्टा बॉम्ब देकर दी एनिमल ने ये मैच जीता और अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप को ट्रिपल एच के खिलाफ सक्सेसफुली डिफेंड किया। नंबर 2, एडी गरेरो वर्सेस JBL। दोस्तों, ये बात है साल 2004 के जजमेंट डे पेपरव्यू की, जब एडी गरेरो ने अपनी WWE चैंपियनशिप JBL के खिलाफ डिफेंड की थी। शुरुआत में तो ये मैच आम मैचों की तरह ही था, पर एक समय पर जब रेफरी बेहोश हो गया तो JBL ने चालाकी से एडी गरेरो के सिर पर स्टील चेयर से वार किया, जो कि रेफरी नहीं देख पाए थे, जिसके बाद गरेरो खून से पूरे लथपथ हो गए। लेकिन तब भी JBL ने एडी गरेरो पर हमला करना बंद नहीं किया, लेकिन फिर भी गरेरो ने हार नहीं मानी और JBL से बदला लिया। पर चुपके से JBL WWE टाइटल रिंग में ले आए, जिसे एडी गरेरो ने JBL से छीन कर रेफरी के सामने JBL पर ही हमला कर दिया, जिस वजह से एडी गरेरो ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन से हार गए। मैच के बाद भी एडी गरेरो ने JBL को खूब मारा और अंत में JBL को वहां से भागना पड़ा भीगी बिल्ली की तरह। नंबर 1, जॉन सीना वर्सेस JBL।
दोस्तों साल 2006 के जजमेंट डे पेपरव्यू में जॉन सीना और जेबीएल के बीच एक आई क्विट मैच हुआ था जो कि काफी ज्यादा ब्रूटल था। यहां भी मैच के शुरू होने के कुछ पलों के बाद ही जेबीएल ने सीना के सिर पर स्टील चेयर से वार किया और एडी गरेरो की तरह ही सीना का भी वही हाल हुआ। इसके बाद जेबीएल मानो जॉन सीना से कोई पुरानी दुश्मनी का बदला लेने लगे। फिर जॉन सीना की ही लॉकेट की स्टील की चेन से जेबीएल सीना को बेहोश करने की और आई क्विट कहलाने की कोशिश करते हैं, पर जॉन सीना तो जॉन सीना ही है। इतना जुल्म सहने के बाद भी चैंप ने तगड़ी वापसी की और जेबीएल को खूब धोया। अंतिम क्षणों में जेबीएल ने सीना पर बहुत जुल्म किए, पर हमेशा की तरह अंत में सीना ही भारी पड़ते हैं जेबीएल पर। अंत में जेबीएल की हालत जॉन सीना से भी बुरी हो गई थी और सीना ने फाइनली जेबीएल से आई क्विट बुलवा कर ये खतरनाक मैच जीत कर अपनी चैंपियनशिप को रिटेन किया था। तो दोस्तों ये थे WWE के इतिहास के 5 ब्लडीएस्ट मैचेस। आपका फेवरेट मैच इनमें से कौन सा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ में क्या आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो में था इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।